कानपुर में मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 29 सितंबर 2021 यानी बुधवार को गुजरात से उत्तर प्रदेश के कानपुर लाई गई मेट्रो ट्रेन की पहली रेक को पूजा के बाद पटरी पर उतार दिया गया। ट्रक से लाए गए मेट्रो के 3 कोचेस को क्रेन के जरिए डिपो में उतारा गया और फिर उसे टोइंग मशीन से खींचकर असेंबलिंग एरिया में ले जाया गया। इसके बाद मेट्रो ट्रेन की असेंबलिंग का काम शुरू किया गया। मेट्रो के ये 3 डिब्बे कानपुर पॉलिटेक्निक डिपो में लाए गए थे। मंगलवार सुबह से ही यार्ड कॉम्प्लेक्स में इस ट्रेन को देखने के लिए कर्मचारियों और अफसरों में काफी एक्साइटमेंट था। बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव पॉलिटेक्निक डिपो पहुंचे और उनके सामने डिब्बों पर से कवर हटाया गया। पॉलिटेक्निक डिपो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऑफिस के सामने खड़े ट्रॉलर पर रखे इन डिब्बों की पहले पूजा की गई। इसके बाद मशीन की मदद से उन्हें ट्रैक पर उतारा गया। मेट्रो के टेक्निकल स्टाफ द्वारा इन डिब्बों की असेंबलिंग के बाद इनकी टेस्टिंग शुरू की गई। अगर डिब्बों में किसी तरह की टेक्निकल कमी पाई गई तो अगले आने वाले रैक में उस कमी को सुधारा जा सकेगा। UPMRC के MD कुमार केशव ने बताया कि कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पहली प्रोटोटाइप ट्रेन मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में 3 कोच हैं और अगले 6 हफ्ते में इस ट्रेन को तैयार किया जाएगा। इसके बाद परीक्षण के लिए इसे RDSO यानी रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया जाएगा। कानपुर में मेट्रो के पहले कॉरिडोर के लिए IIT से मोती झील के बीच के सेक्शन के लिए यह पहली ट्रेन गुजरात से लाई गई है। इसके बाद 7 और ट्रेनें आएंगी। कानपुर में नवंबर में मेट्रो का ट्रायल शुरू होना है। टारगेट है कि जनवरी 2022 में लोगों के लिए मेट्रो को चालू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार इसका ऐलान कर चुके हैं। हालांकि CM हर बार नवंबर में मेट्रो चलाने की बात कहते हैं। अब मेट्रो के कोच कानपुर शहर में आने के बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर टाइमलाइन को लेकर काफी दबाव है। उम्मीद है कि 15 नवंबर से मेट्रो का ट्रायल शुरू हो जाएगा।